हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द नॉलेज गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, हरियाणा की ताजा खबरें, हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है और वहीं इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी शिकायत है, वीडियो तो आप सभी लोग देख लेते हैं पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हैं ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां, सबसे पहले जान लेते हैं आज हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें, राहत की बात यह है कि हरियाणा में आज सबसे कम 1795 मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 114,870 पर पहुंच गया है। आपको बता दें, राहत की बात यह है कि आज हरियाणा में रिकॉर्ड 2892 कोरोना के संक्रमित से ठीक होने वालों का मिले हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमित से ठीक होने वालों का आंकड़ा 93,776 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में 24 घंटे में 29 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 1206 पर पहुंच गया है। हरियाणा में एक्टिव केसेस की बात करें 19,888 है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, प्रदेश में 24 सितंबर तक हो सके ग्रेजुएशन तक के दाखिले, अक्टूबर में जारी होगी पहली सूची। आपको बता रहे हैं, हरियाणा के कॉलेजों में नए सत्र में दाखिला लेने की आखिरी तारीख 24 सितंबर है। हरियाणा हायर एजुकेशन की वेबसाइट न चलने की वजह से विभाग ने दाखिले की तारीख को 2 दिन बढ़ा दिया है। इससे पहले अंतिम तिथि 22 सितंबर थी, लेकिन अब 24 सितंबर तक ऑनलाइन दाखिले किए जा सकेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पहली मेरिट लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी होगी और चयनित विद्यार्थी 5 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा करवा सकेंगे। दूसरी मेरिट लिस्ट 8 अक्टूबर तक जारी होगी, छात्र 12 सितंबर तक फीस जमा करवा सकेंगे। यहां अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, शिक्षा को पटरी पर लाने की तैयारी। कोरोना काल में सप्ताह में 3 घंटे की कक्षाएं लगा सकेंगे विश्वविद्यालय कॉलेज के स्टूडेंट्स। DHE ने शेड्यूल तैयार कर मांगे सुझाव। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर है, कोरोना काल में स्कूलों के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलने का मन बना लिया है। इसके लिए शिक्षकों से राय सुमारी मांगी है कि कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने के लिए किसी तरह का पैटर्न प्रयोग किया जाए। फिलहाल कॉलेजों व विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया चल रही है, फाइनल की परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। अब स्कूलों की तर्ज पर विश्वविद्यालय व कॉलेज खोलने की भी तैयारी। अगली बड़ी खबर की बात करें, पानीपत में दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, कई किसान हिरासत में। आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, कृषि को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 25 सितंबर को देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पंजाब में किसान सड़क पर हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी के बौछार की गई। इसके साथ ही किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, कुलविंदर सिंह बने संयुक्त पुलिस आयुक्त। कई माह से रिक्त पड़े संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दी गई है। कुलविंदर सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही काफी समय से खाली पड़े DCP ईस्ट और DCP ट्रैफिक पर नियुक्ति हो गई है। DCP मानेसर दीपक सहारण को DCP वेस्ट लगाया गया है। DCP वेस्ट सुमेर सिंह को DCP बल्लभगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। कुरुक्षेत्र की SP आस्था मोदी को DSP मुख्यालय बनाया गया है। DCP मुख्यालय नितिका गहलोत को DCP मानेसर नियुक्त किया गया है। DK भारद्वाज को DCP ट्रैफिक बनाया गया है। DCP बल्लभगढ़ रह मकसूद अहमद को DCP ईस्ट के साथ GMDA मोबिलिटी विंग का CO की भी जिम्मेदारी सौंपी। अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, पराली जलना शुरू। EPCA ने पंजाब हरियाणा के मुख्य सचिवों को किया आगाह। जाड़े की दस्तक होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन पंजाब में पराली जलना शुरू हो गई है। वायु प्रदूषण के स्तर में आंशिक गिरावट भी आने लगी है। यह स्थिति आने वाले दिनों में चिंताजनक न हो, इसके मद्देनजर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण सख्ती का रवैया अपना लिया है। जी हां, इसी के साथ बढ़ती है अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो की तर्ज पर सिरसा में मांगी इंटरसिटी ट्रेन, रोहतक तक मेट्रो की भी मांग। बड़ी खबर है, हरियाणा में रेल और मेट्रो ट्रेन के विस्तार के साथ ही मांगे भी बढ़ने लगी है। सिरसा की भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर सिरसा में इंटरसिटी ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल से यह मांग की है। दूसरी ओर रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दिल्ली मेट्रो का सांपला और रोहतक तक विस्तार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इसका दोबारा सर्वे कराना चाहिए।
चंडीगढ़ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा को 4 जोन में बांटा गया, 332 गांव रेड जोन में। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, हरियाणा में खरीफ सीजन में फसल अवशेष जलाने पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए हैं। इसमें 332 गांव लाल जोन में है, रेड जोन यानी जहां स्थिति अति गंभीर है। 675 गांव येलो जोन में है जहां स्थिति गंभीर है। ऑरेंज जोन में वे गांव है जहां स्थिति फिलहाल तो गंभीर नहीं लेकिन गंभीर हो सकती है। ग्रीन जोन में वे गांव है जहां स्थिति सामान्य और संतोषजनक है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पानीपत से दिल्ली जा रहे सैकड़ों ट्रैक्टर कृषि विधेयक के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कृषि विधेयक पर उग्र कांग्रेस ने अब पानीपत से ट्रैक्टर रैली निकाली। यह रैली पानीपत से दिल्ली तक जा रही है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन कुंडू के साथ युवा कांग्रेस वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कुंडू ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों के लिए स्थापित मंडी व्यवस्था खत्म होगी, व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी, किसान को उचित मूल्य मिलना आसान नहीं होगा। जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, छात्रों को पीजी कोर्सों के लिए 28 अक्टूबर तक मौका। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शिक्षकों के हित में मंगलवार को दो बड़े फैसले हुए हैं। सालों से लंबित पड़े इन मामलों पर कुलपति के फैसलों से सैकड़ों शिक्षकों को राहत मिली है। आपको बता रहे हैं कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना ने मंगलवार को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 57,700 रुपए कर दिया। इससे पहले 27,000 रुपए मिल रहे थे। इस फैसले से 190 करीब शिक्षकों को फायदा मिलेगा। दूसरे फैसले में SFS के तहत नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस फैसले से 20 शिक्षकों को होगा फायदा। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। हरियाणा में पलवल सोनीपत के बाद अब झज्जर नारनौल रेल लाइन की तैयारी। हरियाणा में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। पलवल से सोनीपत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की 121 किलोमीटर लंबी दोहरी विद्युतीकरण ब्रॉड गेज लाइन की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद अब हरियाणा सरकार रेलवे को दो नई परियोजनाओं पर काम करेगी। झज्जर कोसली कनीना नारनौल नई रेलवे लाइन के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके साथ ही कैथल शहर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार बनाकर केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है। तो जी हां, आप सभी के लिए हरियाणा के दिन भर की 25 बड़ा खबरें कैसी लगी। खबर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब